कानोर नगर के बस स्टैंड पर आबादी क्षेत्र से शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर शहरवासी लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। बजरंग सेना के बैनर तले नगरवासियों ने तहसीलदार लक्ष्मी नारायण सिंह को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर आबादी क्षेत्र से शराब की दुकान हटाने की मांग की। बजरंग सेना प्रमुख बजरंग दास वैष्णव के साथ ही युवाओं ने ज्ञापन में बताया कि नगर के सबसे व्यस्ततम चौराहे व आबादी क्षेत्र में शराब की बिक्री होने से व शराब की दुकान के पास ही लोगों द्वारा दिन भर शराब पीने के कारण शराबी उत्पात मचाते हुए राह चलती महिलाओं पर आए दिन फप्तियां कसकर परेशान कर रहे हैं। नियमों के विपरीत देर रात तक शराब की दुकानें खुली रहती है, जिससे इस मुख्य सड़क मार्ग से महिलाओं का गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। वहीं महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। साथ ही ज्ञापन में बताया कि रविवार को भी शराबी की वजह से बस स्टैंड चौराहे पर घंटों तक बवाल हो गया था, जिससे सड़क जाम के हालात बन गए, जिससे राहगीरों को निकलने में भी परेशानी हुई। इसी तरह पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाएं चौराहे पर शराब की दुकान की वजह से हो चुकी है। उक्त दुकानों को आबादी क्षेत्र से हटवाने की मांग को लेकर पूर्व में भी जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, आबकारी विभाग को पत्र भेजा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे शराब दुकान संचालकों के हौसले बुलंद हैं। ज्ञापन देने पहुंचे नेता आशुतोष व्यास ने कहा कि बस स्टैंड पर स्थित शराब का प्रतिष्ठान अन्यंत्र स्थापित किया जाए। लंबे समय से विरोध किए जाने के बावजूद शराब संचालक ने शराब की दुकान के पास ही शराब पीने का स्थान बना रखा है, जिससे शराबियों ने नगर का माहौल खराब कर रखा है। बजरंग दास वैष्णव ने बताया कि अविलंब शराब की दुकान को आबादी क्षेत्र से नहीं हटाया गया तो नगर वासियों के साथ बजरंग सेना आंदोलन करेगी। ज्ञापन देने के दौरान जय सूर्या लक्षकार, राहुल जैन, आशीष कुदाल, मोहित शर्मा, कैलाश खींची, प्रताप सिंह राव, शंकर लाल खींची, तुषार महात्मा, कान्हा वैष्णव, अनिल तंबोली, प्रवीण सुथार, बादल सिंह, पुष्कर दर्जी, भूपेश वैष्णव, पुष्कर विनायक नाथ सहित बजरंग सेना के कार्यकर्ता व नगर के युवा मौजूद रहे। आज हम सभी यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि नगर के जो मुख्य बस स्टैंड पर ही जो शराब की दुकान स्थित है, उस प्रतिष्ठान को कहीं अन्यत्र स्थापित करें, क्योंकि रोजमर्रे के हादसे और रोज नित नए यहाँ पर घटनाएं घटित हो रही है। शराबी रोज उत्पात मचाते हैं, नगर का माहौल खराब करते हैं, महिलाएं भी परेशान हैं। सभी व्यक्तियों की परेशानी को देखते हुए आज नगर हित में यहाँ हम तहसीलदार कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं, और सभी कार्यकर्ता इसी के लिए आए हैं कि नगर से ये शराब का प्रतिष्ठान अन्यत्र स्थापित हो और उसी दुकान के पास ही वो पीने के बैठक की व्यवस्था, तो पूरा गांव का माहौल खराब कर रखा है। तो हमारा यही निवेदन है कि इसको अन्यत्र स्थापित करें। हम ये ज्ञापन देने यहाँ पधारे हैं तहसीलदार कार्यालय में। कानोन नगर मध्य में आबादी क्षेत्र में जो शराब की दुकान खोली गई है, वो दुकान हटवाने के लिए आज बजरंग सेना ने तहसीलदार महोदय को जिलाधीश महोदय के नाम का ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि शराबी द्वारा आए दिन नगर के मध्य उत्पात मचाया जाता है। कई बार तो रोड जाम रहते हैं, और अतिशीघ्र अगर ये शराब की दुकान कानोर नगर मध्य से नहीं हटवाई गई तो बजरंग सेना एक आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।